दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनका जन्म लेने का तरीका देखकर आप चौंक जाओगे। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीवी। कीवी एक ऐसा पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो कि उड़ नहीं सकता और ये अपने अनोखे लुक के लिए लोकप्रिय है। ये मुर्गियों की तरह दिखने वाला पक्षी साथ ही साथ अपने दिए हुए अंडों के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। दरअसल कीवी अपने शरीर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़े अंडे देता है और इन अंडों का वजन फीमेल कीवी के बॉडी के 25% तक हो सकता है। इस चीज को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि 60 किलो वजनीय औरत एक 15 किलो के बच्चे को जन्म दे रही हो और कीवी के बॉडी में इतने बड़े अंडे को बनते वक्त 30 दिन का समय लग सकता है। और आखिर के दिनों में फीमेल कीवी की हालत कुछ इस तरह हो जाती है कि वो कुछ खा भी नहीं सकती, क्योंकि इसका शरीर इस अंडे से पूरी तरह से भर जाता है। और फिर जैसे ही अंडा बाहर आ जाता है, मेल कीवी इन अंडों का ख्याल रखते हैं। एलिफेंट्स। एक फीमेल एलिफेंट हर 5 साल में जन्म दे सकती है और 50 साल की आयु तक संभोग करना जारी रख सकती है और साथ ही साथ ये 23 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। इसे हम बाकी एनिमल से कंपेयर करें तो वो एक लंबा समय है। और जन्म लेते वक्त हाथियों के बच्चों का वजन 90 से 145 किलो होता है और जन्म लेते वक्त इन हाथियों के बच्चों को 2 से 3 फीट की ऊंचाइयों से गिरना पड़ता है, क्योंकि फीमेल एलिफेंट खड़े रहकर ही इन बच्चों को जन्म देती है। जन्म के बाद ये नन्ना हाथी सिर्फ 1 घंटे बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगता है और अपने पैर पर खड़े होने के बाद तकरीबन 6 साल तक वो अपने माँ का दूध पीता है। जिराफ। एलिफेंट्स के तरह जिराफ्स भी सबसे लंबे आकार के बच्चे पैदा करते हैं। के बच्चों का वजन जन्म लेते वक्त 68 किलो का हो सकता है और हाथियों की तरह जिराफ भी सेम खड़े होकर बच्चों को जन्म देते हैं और सेम इसी तरह इनके बच्चों को भी 5 फुट ऊपर के ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ता है। सी हॉर्स। सी हॉर्स के जाति में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फीमेल्स नहीं बल्कि मेल बच्चों को जन्म देते हैं और इनके संभोग करने का तरीका भी काफी निराला है। पर मेल और फीमेल सी हॉर्स एक दूसरे के बाजू में नृत्य करते हैं। जब वो फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी फीमेल सी हॉर्स अपने बच्चों को मेल सी हॉर्स के पाउच में डाल देती है। जी हाँ, कंगारूस की तरह ही इन सी हॉर्स में भी एक पाउच होता है जिसमें फीमेल सी हॉर्स के अंडे डालने के बाद मेल सी हॉर्स उसमें अपना स्पर्म डालता है। उसके बाद उस पाउच की ओपनिंग बंद हो जाती है और फिर फीमेल सी हॉर्स के अंडे मेल सी हॉर्स के अंदर फर्टिलाइज होने के बाद बच्चों के रूप में बाहर आते हैं। इसका मतलब मेल सी हॉर्स एकमात्र ऐसा पिता है जो प्रेगनेंसी का अनुभव लेता है। येलो हेड जॉफिश। दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव है जो अपने बच्चों की देखभाल उन बच्चों को अपने मुंह में रख के करते हैं और इन्हीं जीवों को माउथ ब्रूडर्स कहा जाता है। इन्हीं की प्रजातियों में से एक है येलो हेड जॉफिश। कैरेबियन सी में पाए जाए इस फिश को अपने येलो हेड और अपने लाइट ब्लू बॉडी कलर से पहचाना जा सकता है। इनका आकार 3.9 इंचेस तक बड़ा हो सकता है और ये पानी में ब्लड वर्म खा के जिंदा रहते हैं। ये मछली का जन्म देने का तरीका बाकी मछलियों से हटकर है। यहाँ मेल येलो हेड जॉफिश फर्टिलाइज्ड एग को अपने मुंह में तब तक रखता है तब बच्चे इनसे बाहर नहीं निकल आते और इस माउथ ब्रूडिंग की प्रोसेस में जितना भी समय लगता है उतना समय ये मेल फिश कुछ भी खा नहीं सकते। हाइना। हाइना यानी लकड़बग्गा एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। ये अखंड प्रकार की बोलियां बोलता है और इसका ढाका भी बहुत ही अजीब है और साथ ही साथ इनके जन्म लेने का तरीका भी काफी विचित्र है।
क्योंकि इस प्रोसेस में फीमेल हाइनास के पास एक नकली लिंग होता है, जहां मादा लकड़बग्गी के पास एक नकली लिंग और वो उसी लिंग से जन्म देती है जो कि आकार में 7 इंच लंबा होता है, जिसके कारण जन्म के बाद फीमेल हाइना काफी घावग्रस्त हो जाती है। जन्म के बाद ये बच्चे 1 साल तक अपने माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, जो कि एक काफी लंबा सा समय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अलविदा।